हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंगर ए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई पीजीडीबी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। इन दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और ये कोई निगेटिव वीडियो नहीं है। चांसेस क्या क्या हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए, इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज ही नोटिफिकेशन आया हुआ है आईडीबीआई पीजीडीबी ऑफ कोर्स के लिए, जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आया हुआ है। ठीक है, आईडीबीआई पीजीडीबीएफ का वैकेंसी तो आया हुआ है बट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है। होता क्या था, हर साल एक पीजीडीबीएफ का असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट आता था, मतलब पीजीडीबीएफ कोर्स जो है ओनली असिस्टेंट मैनेजर के लिए होता था, एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं होता था। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी इसमें आता था, तो हमको चूज करना होता था कि एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें या आईडीबीआई पीजीडीबीएफ के लिए। बट इस साल से चेंज हो चुका है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट होता था ना, उसी को इन्होंने अभी जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट यहाँ पे जो है कन्वर्ट करके बना दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया एज भी सेम थी। ठीक है, तो ये 600 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी के टाइम में एग्जीक्यूटिव है, इसका मतलब ये है कि सामने हमको जो है हो सकता है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पोस्ट देखने को ना मिले, क्योंकि वो यहाँ पे ही इंक्लूड कर दिया है उन्होंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में, इसके लिए पीजीडीबीएफ कोर्स कर दिया है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल मुझे जो लग रहा है, क्योंकि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में बहुत लोग जो है जॉब को क्विट करते थे, बीच में ही क्विट कर देते थे, जॉब की बहुत जरूरत रहती थी इसलिए वो ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन बीच में ही इसको क्विट करते थे, बीच में बहुत सारे लोग छोड़ देते थे, कोई पूरा जो है 3 साल तक इस जॉब को नहीं किया है, जिससे कि आईडीबीआई को बहुत लॉस होता है। एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये सब चीजें करवाना, उसको बहुत लॉस होता है उसको, और फिर से रिक्रूटमेंट हर साल लेना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि इस बार पीजीडीबीएफ कोर्स लाया होगा, ताकि जो लोग सीरियस है वही अप्लाई करेंगे, और आप जॉब भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपको पीजीडीबीएफ की फीस लगेगी, तो इसलिए आप जॉब छोड़ नहीं सकते बीच में। अगर आप छोड़ोगे तो जो भी पैसा है वो आपको आईडीबीआई को देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें यहाँ पे इस बार एग्जीक्यूटिव के लिए किया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी ऐसे ही जा रही थी, कोई ज्यादा एग्जीक्यूटिव में रह नहीं रहा था, सब लोग क्विट कर रहे थे, किसी की पोस्टिंग का रीजन होता था, किसी की सैलरी, किसी का वर्क प्रेशर का यहाँ पे रीजन होता था, ऐसा ये मेरा थॉट है। क्योंकि इन्होंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी में इंक्लूड कर दिया है। इस बार आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में सैलरी आपको काफी अच्छी दे रही है, 50,000 रुपीज पर मंथ के अप्रॉक्स, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से अगर अप्लाई करना जा रहे हो तो। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आईडीबीआई पीजीडीबीएफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी करवाएगा, क्योंकि दो चीजें ये नहीं करवाएगा एक साथ, दोनों चीजें दोनों ही पोस्ट के लिए ये नहीं करवाएगा। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का जो वैकेंसी आ सकता है वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट आ सकता है, और वो भी एक्सपीरियंस के साथ। जैसे कि आपने देखा अभी पिछले साल ही आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आया हुआ था, और वो भी एक्सपीरियंस के साथ ही ले रहा था, डायरेक्ट कोई पीजीडीबीएफ कोर्स नहीं ले रहा था उसका। तो ये दो चेंजेस जो है आईडीबीआई बैंक में हो सकते हैं। अब 2023 से मुझे नहीं लगता कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी आएगा या आईडीबीआई पीजीडीबीएफ असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी आएगा। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को कन्वर्ट कर दिया है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में, और आईडीबीआई पीजीडीबीएफ को कन्वर्ट कर दिया है आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है उसके लिए। तो अगर आपका टारगेट पीओ एग्जाम के लिए होता था, पेपर नहीं निकलते थे, तो मैं बोलूंगा कि जो अभी वैकेंसी आया हुआ है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, इसके लिए आप अप्लाई करिए, क्योंकि ये जो है आपको अच्छी खासी सैलरी भी देगा, और 3 साल के बाद जो यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर भी फिर बन जाओगे, फिर आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। 50,000 कम नहीं होता है, बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करिएगा, और इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे वैकेंसीज लो होते जाएंगे। जैसे कि अभी आरबी असिस्टेंट का वैकेंसी आपने देखा होगा कितनी लो वैकेंसी है, आप कितना ही वहाँ पे एफर्ट लगा लोगे, अगर जो जेन्युइन बंदा होगा जिसकी पढ़ाई एकदम पीक पे चल रही होगी उसी का क्वालिफाई होगा, और किसी का यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होगा, पेपर देके आओगे ओनली, बस रिजल्ट वहाँ पे आने वाला नहीं है अगर आप सीरियसली बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर उसकी पढ़ाई नहीं करोगे तो। वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत हाई है और यहाँ कॉम्पिटिशन होगा लो, तो जॉब लगने का चांसेस जो है यहाँ पे ज्यादा है। मैं आपको हर बार समझाता हूँ, वहाँ पे अप्लाई करो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो, जहाँ कॉम्पिटिशन कम है वहाँ मत करो, जहाँ ऑलरेडी कॉम्पिटिशन 10 लाख 7-8 लाख इस तरीके का है वहाँ पे मत करो, क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिशन वाले एरिया में होने का होता तो अभी तक हो चुका होता। आपको पता है एक एक मार्क के लिए लोग जो है रात दिन एक कर रहे हैं एक जॉब के लिए, तो एक एक मार्क का डिफरेंस आ जाता है, कभी एक मार्क के लिए रुक जाता है, कभी 2 मार्क के लिए, कभी पॉइंट से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत है, हम हर साल उसी भेड़ चाल का हिस्सा बनते रहते हैं और उसी के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। वैकेंसी आती है 450 और अप्लाई करने वाले होते हैं 5 लाख 6 लाख, तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट ऐसी कुछ वैकेंसी आती है जिसमें होता है कॉम्पिटिशन लो, बहुत लोग नहीं अप्लाई करते, वहां हमारा चांसेस होता है, तो वही जॉब हमको चूज करना है सोच समझ के जिसमें कॉम्पिटिशन है लो, एज कम्पेयर टू जो रेगुलर जॉब्स होती है आईबीपीएस पीओ आरआरबीपीओ ये सब चीजें आईबीपीएस क्लर्क, इन सब रेगुलर जॉब में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि साल में इसी की वैकेंसी आती है बहुत।
ज्यादा वैकेंसी आती है लोग इन्हीं के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और जो इस तरीके के इच बीच में फॉर्म आते हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, वो स्किप करते हैं। तो इसी वजह से जो है जो एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर होता है इनमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि इसमें कॉम्पिटिशन कम है, इसमें भी ज्यादा है, बट एज कम्पेयर टू IBPSPO, IBPS क्लर्क, RRBPO, RRB क्लर्क, इनसे बहुत ज्यादा कम, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा कम। तो ये मेरा थॉट है कि इस साल से आपको एग्जीक्यूटिव का और IDBI PGDBF असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप अच्छे तरीके से जो है प्रिपरेशन करिए जो भी आपको वैकेंसी अच्छी लगती है। हालांकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते ही रहता हूँ, तो उनको भी आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि बस बैंक 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 के पीछे ही नहीं भागा, ठीक है, जो और अभी अच्छी वैकेंसी आती है उसके लिए आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली करना है। उसके गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ बैंक में, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में बैंकिंग जॉब है कैसे, जो हम सपने देखते हैं और जो रियलिटी क्या होती है बैंकिंग की, जब आप बैंक में जाओगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको। यूट्यूब पे तो बोलेगा भाई और प्रिपरेशन करो, इस साल नहीं हुआ अगले साल प्रिपरेशन करो, उस साल नहीं हुआ और अगले साल प्रिपरेशन करो, हिम्मत मत हारो, डोंट गिव अप, ये सब चीजें फेक मोटिवेशन चलते रहता है। इस चक्कर में हमारा सब कुछ चले जाता है और जो वो मोटिवेशन रहता है कि हमको जॉब चाहिए, एज के साथ साथ वो भी खत्म होते जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगा के सोच समझ के ही आप जो है अपने डिसीजन लिया कीजिए। सबकी सुनने के बाद आप कंक्लूजन निकालिए और फिर जो है अपना डिसीजन लीजिए। तो छोटी सी जानकारी आपको देना था, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।